नमस्कार, मिशन लंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। मिशन लंदन में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश की उन उम्मीदों से जो लंदन में, लंदन ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल की उम्मीद है। रेसलिंग, वो खेल जिससे देश को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और देश के एक से एक बेहतरीन पहलवान लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेसलिंग से हमें एक से ज़्यादा मेडल मिल सकते हैं और इन उम्मीदों में सुशील के साथ साथ एक और बड़ा नाम आता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कई बार झंडे गाड़े हैं और देश का नाम ऊंचा किया है, योगेश्वर दत्त। सबसे पहले योगेश्वर, आपका बहुत स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद ये उसी समय से भविष्यवाणी की जाने लगी थी कि योगेश्वर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करेंगे और सिर्फ ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर वो देश के लिए मेडल की उम्मीदों को पक्का भी करेंगे। ओलंपिक में क्वालिफाई करना, सबसे पहले ये तो एक बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, ये खुशी देता होगा, लेकिन इस खुशी के साथ साथ अब एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता होगा। बिल्कुल, जैसे कि ये लगा लो ये मेरा और सुशील का दोनों का तीसरा ओलंपिक है और तभी से हमारी 15-16 साल इकट्ठे हैं और हमारी यही सोच है कभी से कि हाँ हम ओलंपिक में जाएँ, देश के लिए मेडल जीतें और देश के लिए कुछ करें। जैसे पिछली बार बीजिंग में सुशील का ब्रॉन्ज आया था, मैं क्वार्टर फाइनल में हार गया था, पर तभी यह था कि हाँ अभी 4 साल ट्रेनिंग करनी है और लंदन में कुछ करना है, उसके बाद अभी क्वालिफाई हुआ, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और जो तैयारी है वो एक बहुत अच्छी है और यही है कि हम पिछली बार एक मेडल था, अभी बार 2 या 3 मेडल लेके देश में आए। पूरी उम्मीद यही है और पूरे देश को यही उम्मीद है कि योगेश्वर आप हों, सुशील हों और तमाम जो दूसरे पहलवान हमारे जा रहे हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि ब्रॉन्ज जब लेकर आई आपने क्वार्टर फाइनल ओलंपिक में खेला, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि उस वक्त तक पहलवान, अब हमारे देश के पहलवान उस आकलन में नहीं आते थे। वो फ़र्क क्या है, आपको क्या परिवर्तन लगता है जिसकी वजह से अब ओलंपिक में हम थोड़ा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उम्मीदें कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे पर हमें पता था पिछली बार भी कि हम अच्छा करें क्योंकि सुशील ने भी हमने वर्ल्ड चैंपियन है जो वर्ल्ड लेवल के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने हराया था, हमें पता था कि हम अच्छा करेंगे, उसमें जैसे सुशील का ब्रॉन्ज आया और ये तभी से मतलब एक इंडिया में काफ़ी चेंज आ गया। पहले जैसे गांव का खेल है ये सभी गांव वाले जानते इस खेल को, शहर के जो बड़े लोग हैं वो नहीं जानते थे, उसके बाद मेडल के बाद सब जानने लगे हाँ कुश्ती क्या। पहले तो कुश्ती को ये मानते WWF, नकली कुश्ती को ज़्यादा जानते थे, असली कुश्ती को नहीं जानते थे, अब असली कुश्ती को पहचानने लग गए, सबको पता थी हाँ कुश्ती ये है, ओलंपिक में अच्छा करेंगे। पिछली बार ब्रॉन्ज आया था, वर्ल्ड चैंपियन थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती में आए थे। सबकी एक लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि स्पॉन्सर आ रहे हैं, सारा से है, मित्तल से है, सेल से है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। ये आपने एक अच्छी बात कही, बढ़िया बात कही कि लोगों का जब भरोसा आप पर बनता है, ये हालांकि ये दोनों चीज़ें साथ में चलती, जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग अपने आप भरोसा जताना शुरू करेंगे और जब लोग भरोसा जताते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन जो आपने रेसलिंग की बात कही है तो बेशक आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है पिछले समय में इस तरह की स्थिति रही हो, लेकिन आज रेसलिंग की स्थिति कुछ और है। आज रेसलिंग वो खेल है जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें देशवासी लगाए बैठे हैं या उन्हें लगता है कि रेसलिंग से हमारे पास लंदन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल आएंगे। तो एक नज़र डालते हैं रेसलिंग पर और इससे जुड़ी उम्मीदों पर। कड़ी मेहनत, शारीरिक दमखम, सीखने की लगन और उत्साह इन पहलवानों का देखते ही बनता है और आजकल ये पहलवान पूरे जोश और लगन के साथ तैयारियों में जुटे हैं। 27 जुलाई से 12 अगस्त तक लंदन में आयोजित होने वाले ओलंपिक में भाग लेने के लिए बीजिंग में आयोजित ओलंपिक में सुशील कुमार के कांस्य पदक ने 56 साल के सूखे को ही खत्म नहीं किया बल्कि भारतीय कुश्ती खेमे में एक नई उमंग भर दी। 2010 दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे पहलवानों ने 10 स्वर्ण, 5 कांस्य, 4 रजत के साथ 19 पदक झटके। वहीं चाइना में आयोजित एशियन गेम्स में 3 कांस्य पदक अपने नाम किए, जो कहीं न कहीं भारत के कुश्ती में विश्व स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। अब एक बार फिर हमारे 5 जाबाज पहलवान सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, नरसिंह यादव और 19 साल के युवा अमित कुमार के साथ महिला पहलवान गीता जी जान से तैयारियों में जुटे हैं, जिन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अलग अलग प्रतियोगिताओं में
गोल्ड मेडल जीतकर लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, जो इनके जबरदस्त जुनून और जोश का जीता जागता उदाहरण है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि लंदन ओलंपिक में ये पांचों पहलवान अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे और सफलता के नए आयाम गढ़े जाएंगे। रेसलिंग पर हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी, और जैसा मैंने कहा कि योगेश्वर अब बहुत कुछ बदल गया है, अब रेसलिंग को लेकर वो सोच नहीं है। इस बदलाव पर भी आपकी सोच क्या रहती है जब आप अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस करते हैं या इन जगहों पर होते हैं जहां पर आप लोगों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तब आप लोग किस तरह की चर्चा करते हैं, यानी ये बदलाव आ रहे हैं और ये आपको किस तरह का फील देते हैं? बहुत खुशी होती है। जैसे पहले एक टाइम था, जैसे 10-15-20 साल पहले यह था कि पहलवानों की इमेज अच्छी नहीं थी, कुछ पहलवान तो नहीं थे, पर जैसे वेट बढ़ गया और बॉडी बना ली, कहीं कुछ पंगा कर दिया, पहलवानों की इमेज डाउन थी, पर इस टाइम बहुत अच्छा, और हमें बहुत खुशी मिलती है कि लोग मिलने आते हैं यहाँ पे, कि ऐसे पहलवान रहते हैं, ये है वो है, ऐसे सुशील है, अभी नया लड़का मीत है, इसने क्वालिफाई किया, बहुत यंग है, बिल्कुल कम उम्र में नर्सिंग है, मिलने आते हैं, पूछते हैं कि ये है, जैसे वैसे फेस नहीं पहचानते, नाम से पहचानते हैं, अब नाम बताते वो ये वो पहलवान है, काफ़ी अच्छा लगता है। और हम ये चाहते हैं कि कुश्ती यही नहीं और ऊपर तक जाए, देश में पूरे देश में नाम हो कुश्ती का और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ले गए, हम यही सोचते हैं। और हमें मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस जब बनता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, जैसे कि एक तो गुमनाम जिंदगी जी रहा है, कोई जहाँ भी जाए उसको पूछे कि आप वो हो ये है, एक अलग फीलिंग होती है, और यही होता है कि हाँ हम और अच्छा करें, अपना कुश्ती का नाम करें। ये हर फील्ड में होता है, हर खेल में होता है, हर काम में होता है, कि अगर आपके काम को पहचान मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, तो जाहिर सी बात है आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आपके साथ साथ में जैसे आपने अमित का जिक्र किया, नर्सिंग का जिक्र किया, ये वो युवा हैं जो देश के लिए और उम्मीद है, आने वाले समय में आपके साथ साथ ये देश के लिए और मेडल्स ला सकते हैं। तो हम एक नज़र डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने ओलंपिक के लिए, लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और इन सभी से मेडल की उम्मीद। ये वो पांच नाम हैं जो लंदन ओलंपिक में देश की उम्मीद हैं, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि चाहे वो गीता हो या आप चारों पहलवान हो, आपको सभी से उम्मीद होगी कि सभी मेडल लाएं। आपको सबकी तैयारी कैसी लगती? बिल्कुल, जैसे लड़कियों का हम तो पटियाला, पर उसने क्वालिफाई किया, पहली महिला पहलवान है, काफ़ी बड़ी बात है ये, और वो अच्छा करेगी। हमें अपना यहाँ पता ट्रेनिंग करते हैं सुबह शाम, 2.5-3 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम को ट्रेनिंग करते हैं, और जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो यही थी कि जो हमारी कमियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं, जो हमारा प्लस पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो वीक है उस पर देते हैं, यही है कि कुछ अच्छा करें। और जो मेन चीज़ है वो क्वालिफाई दौर है, ये दौर खत्म हो चुका है, इसमें क्वालिफाई करके आए हैं पहलवान, ये नहीं है कि हमारा वैसे तुक्का लग गया कि चल गया कि हाँ क्वालिफाई हो गया, बिल्कुल वर्ल्ड में क्वालिफाई किया है सुशील ने और नरसिंह यादव ने, मैंने और इसने अमित ने एशिया में किया था और गोल्ड सिल्वर किया था, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे हम यही साथ। अच्छा, क्वालिफाई करने के पहले क्या बहुत डर लग रहा था कि ये तीसरा ओलंपिक है और क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जैसी कुछ दुविधा दिमाग में थी? बिल्कुल, जैसे कि 2008 के बाद में यही था कि हाँ 2012 खेलना, उसके बाद में इंजरी हुई मेरे को, नीम में मेरा ACL और MCL दोनों टीयर हो गए थे, उसके बाद ऑपरेशन, वापसी बहुत मुश्किल थी मेरी, एक साल कुश्ती से बाहर रहा था, और ये दब मैं ये सोचता था कि वो वैसे तो 2012 की तैयारी में लगा हूँ प्रैक्टिस करने रहा, बस सोच रहा हूँ उससे क्या होगा, पर जो वापसी हुई वो अच्छी हुई, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, और उसके बाद जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी पहलवान ने क्वालिफाई नहीं किया था, ये था कि दावा इतना बड़ा है और अभी तक क्वालिफाई नहीं, एक दबाव था क्वालिफाई का, क्योंकि तब तक क्वालिफाई नहीं होगा ओलंपिक का दावा कैसे करेंगे क्या वो, फिर उसके बाद जैसे क्वालिफाई दो स्टार्ट होते ही पहले दौर में क्वालिफाई, एक स्टेज को पार कर लिया है, अब अगली स्टेज ये है कि अब ओलंपिक में क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन ओलंपिक में मेडल लेकर आना है, और उसकी जी तोड़ तैयारी यहाँ पर चल रही है। अब योगेश्वर, मैं यहाँ दर्शकों से कहूँ कि मैं कुश्ती के पहलवान योगेश्वर दत्त से बात कर रहा हूँ, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा, अब आपको पहचानने लगे हैं लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स की कामयाबी हो या इससे पहले बीजिंग में क्वार्टर फाइनल तक जाना हो, लेकिन मैं कहूँ कि मैं हरियाणा पुलिस के DSP से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा चौंक जाएंगे, तो इनका ये पहलू भी आपको बताते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिशन लंदन जारी है इस ब्रेक के बाद। We'll be right back.
ये योद्धाओं का खेल है। यहां हर कोई सर्वश्रेष्ठ है। ये ओलंपिक है। भारतीय खिलाड़ी भी जुटे हैं जबरदस्त तैयारियों में। देखिए लंदन ओलंपिक का सीधा प्रसारण 27 जुलाई से 12 अगस्त तक दूरदर्शन पर। ब्रेक के बाद मिशन लंदन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा कि मैं कहूं मैं पहलवान योगेश्वर दत्त से बात कर रहा हूं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन मैं कहूं हरियाणा पुलिस के डीएसपी योगेश्वर दत्त से बात कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा चौंकेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। हरियाणा पुलिस के डीएसपी भी हैं योगेश्वर। योगेश्वर, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब आपको एक पद मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, परिवार को थोड़ी सी सुरक्षा मिलती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है पहलवानों को ये जो सुरक्षा मिली है या खिलाड़ियों को ये जो सुरक्षा दी गई है कि आर्थिक रूप से वो मजबूत रहे, उनके पास एक नौकरी रहे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है काफ़ी? जैसे एक बहुत बड़ी बात है, डीएसपी लगा बीजिंग से आते ही हमको डीएसपी लगा, तीन चार एक पहलवान था, एक बॉक्सर थे तीन, जितेंद्र, अखिल और बिजेंद्र। काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि डायरेक्ट डीएसपी लगाना ही छोटी बात नहीं है, और हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद काफ़ी परिवर्तन आ गया हमें खुद में, जैसे काफ़ी चेंजिंग आ जाता है। एक जो ये होता है जो पोस्ट लगा लो या आप लगा लो कि आप बड़े लेवल पहलवान हो, एक चेंजिंग आता है उसमें, और काफ़ी अच्छा महसूस करें उसके बाद, क्योंकि हर एक जगह जाते हैं दो नाम जुड़ गया, पहलवान के साथ एक डीएसपी भी जुड़ गया, वो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी अच्छा फील करते हैं। पहलवान पुलिस वाला बन जाए तो मामला बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। हाँ, काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, आपको अंदर से फील होता है एक पहलवान भी और पुलिस एक वाला। तो एक चीज़ की पावर, एक दो चीज़ों की पावर काफ़ी अच्छा लगता है वो। कैसे वो पावर निकालते हैं? अभी तो जोशीले हो गए आप उससे। अभी तो ट्रेनिंग में निकाले, उसके बाद जॉब करेंगे तो वहाँ निकालेंगे। अब मैं आई होप लंदन में भी लोग इस चीज को एडमिट करेंगे, डीएसपी से लड़ रहे हैं। उनको तो नहीं पता, पर हमें तो पता है कि हम डीएसपी अच्छा करेंगे। बहुत खूब, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी लड़ाई वहाँ पर लड़ेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, आपकी तमाम तैयारियाँ, तमाम कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके कोचेस, वो जिस तरीके से आपको शेपअप करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने हाल के दिनों में देखा है कि देश में कोचिंग के स्तर में जो परिवर्तन आया उसमें कोचेस का बड़ा योगदान रहा है। तो पहले तो हम ये सुनते हैं कि आपके कोच आपके बारे में और रेसलिंग की ट्रेनिंग के बारे में क्या कहते हैं, फिर आपसे इस पर बातचीत करते हैं। कॉमनवेल्थ के बाद उसने जो है इसी साल एशिया चैंपियनशिप में भी जो है गोल्ड मेडल जीता है, और पीछे 2008 में भी उसने एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और जो है क्वालीफाई में भी उसने गोल्ड लिया है। तो ये हमें उससे पूरी आशा है कि वो अब की बार पिछले बीजिंग ओलंपिक में भी वो जो है क्वार्टर फाइनल में जाके लूज किया था, तो हमें उससे पूरी आशा है। और बढ़िया पहलवान, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो, पूरी तरह फिट है, उसके पीक पर है वो फिलहाल, तो लंदन ओलंपिक में हमें उससे मेडल की उम्मीद है। योगेश्वर को पहले काफ़ी इंजरी हो चुकी है, नी पे काफ़ी उनको ACL और MCL की इंजरी हो चुकी है, तो हम उसके लिए भी काफ़ी तब वर्कआउट किया था और काफ़ी रिहैब उनकी की है, कई बार हो चुकी है उनको इंजरीज, उनका देखा गया है कि इंजरीज लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, कुछ उनका वेट कैटेगरी के हिसाब से उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, उसके कारण भी थोड़ा मैच नहीं कर पाता कई बार, लेकिन कई होती हैं प्रॉब्लम्स जिनके कारण इंजरी हो जाती है, तो अभी तो उनकी फिटनेस प्रॉपर लेवल पे है, तो यही रहेगा कि ओलंपिक तक ऐसे रहें। बाकी मैट पे प्रैक्टिस करते टाइम छोटी मोटी इंजरीज तो हो ही जाती हैं, उनका इतना होता नहीं हमें, लेकिन कोई मेजर इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी रेसलर को। योगेश्वर दत्त जो अपना है उसकी खासियत यही है जी, वो पैर 60 किलो में है जी, वो दूसरा अभी तीसरा उसका ओलंपिक है जी, और वो उसकी खासियत है जी, वो जो कुश्ती निकालता है वो फंसी हुई कुश्ती निकालता है जी हमेशा। जैसे अभी कजाकिस्तान उसने क्वालिफाई किया, उसकी पहले किर्गिस्तान से हुई, फिर दूसरी कुश्ती दूसरी, और उसकी सेमीफाइनल जो क्वालिफाई के लिए थी वो उसकी थी मंगोलियन से जी। मंगोलियन था वो लड़का बहुत नया लड़का और बहुत अच्छा लड़का था जी, उसने उसको बेजोड़ हराया जिसने, और जो पहली कुश्ती इसकी उज्बेकिस्तान से थी वो वर्ल्ड चैम्पियन था जी, उसको भी उसने फाल हराया। तो उसकी खासियत ये थी उसने फंसी हुई कुश्ती निकालता है वो, और उसका आप हमेशा देखना कि वो कुश्ती एक बिल्कुल जैसे कैसे निकालनी है, बड़े तरीके से कुश्ती निकाल करके वो ऐसे करता है जी।
आपने देखा रेसलिंग कोचेस क्या कह रहे हैं, कितनी उम्मीदें उन्हें अपने पहलवानों से हैं। और योगेश्वर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जाहिर तौर पर हमेशा अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोचेस को देते हैं। कोचिंग में कितना परिवर्तन आप देखते हैं बदलते वक्त के? हमने तो बचपन से ही, जहाँ स्टेडियम 15 साल पहले गाँव में था, गुरुजी थे, वहाँ भी अच्छा था। उसके बाद मैं 15-16 साल से स्टेडियम में हूँ, वहाँ भी यही था कि एक तैयारी एक उस लेवल की थी कि हाँ सब ये था कि अच्छा करो, ओलंपिक में मेडल लाओ, एशियन गेम्स में लाओ। हमने बचपन से यही चीज़ सीखी है, छोटे की अगर सपने बड़े देखे हैं उनको, तभी से उनको इस को पूरा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी बात जैसे वहाँ स्टेडियम सतरमा जी, सतवा पहलवान है, कोच अब यशवीर जी हैं, विनोद जी चीफ कोच हमारे, जैसे जोर जी हमारे साथ में 8 साल से लगे हुए हैं, काफ़ी परिवर्तन आया। ये इन्हीं का वो है कि वर्ल्ड में हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन बने सुशील पहलवान, ब्राउन्स आया था ओलंपिक में, और एशिया चैंपियन भी बने हैं। काफ़ी अच्छा ये एक परिवर्तन है, और परिवर्तन होगा तो अच्छा ही होगा। कभी कहते हैं ये कि अगर तुमने मेडल नहीं जीता तो पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी? नहीं, कभी एक आज तक किसी ने नहीं बोला कि हाँ, बस ये बोलते हैं कि हाँ अच्छा करो अपनी कोई तरफ दबाव से, नहीं, हाँ, मेडल लाने का कोई दबाव नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं। ये बोलते हैं कि मेडल लाना अच्छा करो, पर ये नहीं कि पिटाई होगी, ये होगी, हाँ अपनी तरफ से अच्छा करो, देश के लिए मेडल जीतो, यही है सब। टेक्निक्स की जब बात होती है, अभी तक ये भी कहा गया है योगेश कि हमारे देश की जो कुश्ती का स्टाइल रहा है और जो विदेशी स्टाइल रहा है, क्योंकि जब हम ओलंपिक जैसे खेलों में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में हम खेलते हैं, एशियन गेम्स में हम खेलते हैं, तो हमको दूसरे के नॉर्म्स का भी ध्यान देना पड़ता है। और पहले हम अपने नॉर्म्स पर या अपने कुश्ती के तरीकों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन बदलते वक्त, जैसे आपने जॉर्जियन कोच का भी जिक्र किया, तो आपको लग रहा है कि विदेशी कुश्ती उसके दांव पे उसके तौर तरीके भी हमारी कुश्ती में आ रहे हैं और इससे हमें फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल, जैसी हमारे लगा लो जो छोटे वजन है 74 तक, तो ये लगा लो कि हमारे और उनकी सेम लड़त है, सेम टेक्निक है, स्पीड भी सेम, पावर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो इंडिया में थोड़ा 196 और 120 है, दो वेट थोड़े पावर में कम है और टेक्निक में भी नहीं, तो हमारे जो नीचे 4-5 वजन है ये बहुत अच्छे हैं और वही लेवल है, वर्ल्ड लेवल है मेडल जीतने के ऊपर। और इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि भगवान ने चाहा और लोग दोबारा तो मेडल अच्छा करेंगे, मेडल जीतेंगे। मिशन लंदन में इससे पहले जब हम बात करते हैं, कर रहे थे दूसरे खिलाड़ियों से, तो हमने आपको सुनवाया कि योगेश्वर उन खिलाड़ियों के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन योगेश्वर के साथी खिलाड़ी उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कितनी उम्मीदें बांधे रखी हैं, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये योद्धाओं का खेल है, यहां हर कोई सर्वश्रेष्ठ है, ये ओलंपिक है। भारतीय खिलाड़ी भी जुटे हैं जबरदस्त तैयारियों में। देखिए लंदन ओलंपिक का सीधा प्रसारण 27 जुलाई से 12 अगस्त तक दूरदर्शन पर। ब्रेक के बाद मिशन लंदन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले योगेश्वर दत्त ने बताया किस तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का परफॉर्मेंस हो, विदेशी कोचेस की मदद हो, या फिर एक के बाद एक देश को रेसलिंग में मिल रही कामयाबी हो। बहरहाल इन उम्मीदों के साथ साथ खुद इनके साथी खिलाड़ियों को योगेश्वर से बहुत उम्मीद है, जो इनके साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इनके साथी खिलाड़ी योगेश्वर की ट्रेनिंग के बारे में, इनसे उम्मीदों के बारे में क्या कहते हैं, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। योगेश्वर का भी ये तीसरा ओलंपिक है, हम बिल्कुल साथ साथ में ही, एक बार तो दोनों ही 1999 में हम दोनों वर्ल्ड चैंपियन बन के आए थे जूनियर के, तो बचपन से ही साथ में हम टूर्नामेंट लड़ रहे हैं और साथ में रहते हैं। और योगेश्वर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि पीछे ऑपरेशन भी उसके कई हुए हैं, एक साल तो पूरा मिस ही हो गया था उसका। एक उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा तैयार रहता है हर एक चीज़ के लिए और बहुत ही सीधा है। आप देखोगे कि ट्रेनिंग में पूरा टाइम देता है और डिसिप्लिन अच्छा है। मैं मानता हूँ कि एक अच्छी साथी मिलने से भी हम अच्छा इम्प्रूव कर पाते हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि योगेश्वर जैसा साथी मिला। वो है योगेश्वर दत्त, 68 किलो में है जो, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। 3 बार तीसरी बार है उनका ओलंपिक है, तो मैं तो चाहूँगा उनका गोल्ड मेडल आए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और सबकी मदद करते हैं, प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा बताते हैं सबको, मैं ना पूछने पे भी बताते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। रेसलर बहुत अच्छे हैं, उनमें जीदारी है जो एक है वो बहुत ही ज़्यादा है। हारने के बाद भी वो कभी नहीं ऐसे मानते कि मैं हार रहा हूँ, तो हारते हारते आखिरी आखिरी सेकंडों में भी जीतने की कोशिश करते हैं, तो जीत जाते हैं।
जज्बा में बहुत ज़्यादा है। वो एक बार तो उनको घुटने में चोट लगी थी, जब भी वो ऐसे सब बोल रहे थे कुश्ती दे दे तू दे दे, घुटने में चोट कटी लिगामेंट टूट चुके थे, लेकिन वो जब भी कुश्ती लड़ा और जीता उसको। बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और हेल्पफुल आदमी हैं पूरे, और उनमें खूबियाँ हैं कि वो रेसलिंग में बहुत अच्छा, मतलब पटों में जो लेग बोलते हैं उनको बहुत अच्छा अटैक कर लेते हैं, और उनके फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल जी, उनके टेकिंग पावर बहुत अच्छी है, जब लेग पे वो लगते हैं तो वहाँ से पॉइंट निकाल के ही दिखाते हैं, तो वो एक पैर पर लग के उनका जो पॉइंट निकालने का अंदाज़ है बहुत बढ़िया है। तो ये तो साथी खिलाड़ियों की उम्मीद है योगेश्वर, जो आपसे, और जाहिर सी बात है देश के साथ साथ में साथी खिलाड़ी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत के लाएँ, देश के लिए मेडल लेकर आएँ। जब बीजिंग से आए थे और क्वार्टर फाइनल तक आपका सफ़र रहा था, वहाँ भी आपसे बहुत उम्मीदें थी, तब क्या कॉमनवेल्थ गेम्स में ये प्रेशर था कि नहीं अब वर्ल्ड के पहले नहीं रुकना है? जैसे कि यही थी बीजिंग में, लास्ट 8-9 सेकंड पहले लूज हुआ, नहीं तो मैं सेमीफाइनल में पहुँचता हूँ। कुश्ती मैं अपनी गलती लगा लो या कुछ, या कुछ किस्मत ला लो कुछ लगा लो, पर मैं अपनी गलती मानूंगा। अगर मैं वहाँ पे थोड़ा ठीक ध्यान देता या अच्छा डिफेंड करता तो मैं कुश्ती जीतता। उसके बाद में काफ़ी बुरा टाइम था ओलंपिक के हार के बाद, क्योंकि एक मेडल आपके, वो भी इतना बड़ा मेडल आपके हाथ से निकलता है तो बहुत दुख होता है। उसके बाद यही था कि हाँ अगले अब 4 साल हो तब तक ट्रेनिंग करनी, उसके बाद फिर नी में चोट लगी मेरी, इंजरी ऑपरेशन हुआ, एक वापसी का बहुत बुरा दौर था वो, और पर यही था कि वापसी करनी है। और जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन हुआ और वहाँ अच्छा किया, गोल्ड मिला, काफ़ी लोगों का समर्थन था, भगवान का आशीर्वाद था, और ये अच्छा किया मैंने वहाँ पे। उसके बाद यही था कि हाँ अब पटड़ी लाइन पे है और अच्छा करेंगे, ओलंपिक तक पहुँचेंगे और वहाँ पे अच्छा करेंगे। तो आपने बीजिंग ओलंपिक से सीख ली और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खुद को तैयार किया। कॉमनवेल्थ गेम्स की वो फाइट जिसने आपको मेडल दिलाया, उस पर एक बार फिर नज़र डाली। भारतीय को इंतजार है इस मुकाबले का, स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला, योगेश्वर दत्त एशियन चैंपियन तैयार, और वहीं कनाडा, और इस बार छटपटाहट अपने ही दांव में उलट कर रह गए कनाडा के पहलवान, पीछे आए अंक बटोरने में सफल हो गए योगेश्वर दत्त भैया। आखिरी क्षणों की कुश्ती, और पीछे आए एक अंक और बटोरने में सफल, इस तरह से भारत को शीतले दांव, उनका पसंदीदा दांव जिसका उन्होंने आखिरी क्षणों में बहुत अच्छा परिचय दिया, इस तरह से 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में मिलने वाला भारत को एक और स्वर्ण पदक, फ्री सेंचुरी की कुश्ती का ये पहला स्वर्ण पदक दिलाया योगेश्वर दत्त ने। एशियन चैंपियन योगेश्वर दत्त राष्ट्रमंडल खेलों के भी चैंपियन बन गए हैं। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स का किस्सा तो हो गया, गोल्ड मेडल भी योगेश्वर को मिल गया। अब निगाहें हैं मिशन लंदन, यानी लंदन ओलंपिक्स में मेडल पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मेडल ज़रूर जीतेंगे। लेकिन आपने इंजरी का जिक्र किया था, चोट का जिक्र किया था, ऐसा योगेश्वर कई बार हुआ है कि इंटरनेशनल फाइट्स के पहले आपको इंजरीज से जूझना पड़ा है, लेकिन ये खुशकिस्मती से अच्छा मौका है कि ओलंपिक से पहले आपको कोई चोट नहीं आई। इंजरी की क्या वजह होती है, प्रैक्टिस में क्या सतर्कता नहीं बरत पाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं कुछ नहीं है, तो इंजरी तो अभी क्या बताए क्यों आती हैं, क्योंकि मेरे को इंजरी बहुत ज़्यादा लगती है। 2009 में लगी थी, 1 साल उसके बाद 12 उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के तुरंत बाद लग गई थी, एशियन गेम्स में नहीं पहुँच पाया मैं, क्योंकि तब भी डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, तब भी 3-4 महीने का रेस्ट हुआ। उसके बाद छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, पर अब ये है कि काफ़ी ध्यान देता हूँ, क्योंकि ओलंपिक है इतना बड़ा मौका है, चाहे कुछ भी हो ये हाथ से नहीं जाने देना और देश के लिए अच्छा करना है। बस एक यही है कि भगवान से बस हम ये दुआ करता हूँ कि चोट ना लगे मेरे। कोचेस भी यही दुआ करते होंगे, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें सबने लगा रखी है, तो वो यही सोचते होंगे कि इसको चोट ना लगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ लगा लो चोट काफ़ी लगती है मेरे को। योगेश्वर, एक और फ़र्क हमने देखा है हाल के दिनों में, जब आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो हम देख रहे हैं कि अब चाहे बॉक्सर्स हों, रेसलर्स हों, इस पर भी एडवर्टीजमेंट्स में ये चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, मीडिया की निगाह में भी आ, जैसा आप खुद जिक्र कर रहे थे शुरुआत में बातचीत में कि एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है तो खुशी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपकी ज़िंदगी अब कितनी बदली हुई महसूस करते हैं आप इस नए बदलाव के बाद? काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि मीडिया अच्छा कर रही है, मीडिया बहुत साथ दे रही है, जैसे जो भी खबर हो छोटी बड़ी ये खपू होती है, अब तो जो हम बाढ़ कट हो गए थे वो भी दे देती है एक आध बार, तो काफ़ी अच्छा लगता है, पूछती है कि हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, पर वो बगैर बताई दे देती है, हमें ये अच्छा लगता है इसे, पर काफ़ी चेंज हो गया, सब पूछते हैं, मिलते हैं, एक नाम मिलता है तो, और सभी चाहते हैं कि हमारा नाम हो, नाम किसको बुरा लगता है, सब चाहते हैं हमारा अच्छा नाम हो, और हम भी यही चाहते हैं कि कुश्ती का नाम हो, हमारा नाम हो, परिवार का नाम हो, देश का नाम हो। और जब नाम होता है तो खास तौर पर
देश के लोगों के साथ साथ फैंस के साथ साथ में जो कुश्ती खेलते हैं वो युवा आपसे बहुत उम्मीदें बांधते हैं और आपको आदर्श के तौर पर देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कई युवा आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें, आप किस तरीके से वो आगे तैयारी कर सकते हैं रेसलिंग से, उन्हें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, क्या भविष्य देखना है? बिल्कुल, जैसे कि रेसलिंग अब तो ये लगा लो कि अपने देश में जो भी खेल है उसमें अगर आप 1, 2, 3 नंबर पे हो आपका भविष्य बहुत अच्छा है। और यही कहूँगा कि अच्छा करो, मेन टारगेट ये बनाओ कि हाँ देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतना, एशियन गेम्स में जीतना, क्योंकि सपने बड़े होंगे तभी उन तक पहुँचा जाएगा। छोटे सपने देखने से फ़ायदा नहीं, छोटे सपने तो वो देखते जिनकी कुछ सोच ही ना हो। बड़ा सपना ओलंपिक का गोल्ड मेडल, बिल्कुल बड़े सपने देखो, ओलंपिक गोल्ड, उनको ये देखो कि पूरा करना है वो, एक सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपने ये देखो कि हाँ वो पूरे करने हैं। आपकी ज़िंदगी का बड़ा सपना यानी ओलंपिक का गोल्ड आपको मिले, ऐसी मैं दुआ करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे देश की दुआएं आपके साथ हैं। तो ये वादा आपने किया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप वादे पर खरे उतरें। बिल्कुल, पूरे वो अपने भगवान के साथ वो पूरे खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश्वर इस पूरी बातचीत के लिए। तो मिशन लंदन का सफ़र आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन योगेश्वर से इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।